हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लाफ्ट आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए लिरोज तो आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं बुके एंड टेन ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं हो सकता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का गिफ्ट सरप्राइज आप उनको देना चाह रहे हैं और कहीं उनके साथ बहुत एक हार्मोनियस बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप आप चाहते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप मैरिज इंगेजमेंट इन उनके साथ चाह रहे हैं लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे स्नेक का कार्ड कॉम्प्लिकेशंस की बात करता है अब देखिए ये कॉम्प्लिकेशंस सब लियोज़ के लिए रिफ़र करेंगी और स्नेक का कार्ड कहीं यू नो की भी बात करता है कहीं चीटिंग की भी बात करता है तो कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इतने ऑनेस्ट नहीं हैं आपके साथ इतने फेयर नहीं हैं अब देखिए ये सब लियोज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बट येस yes, कुछ लियोज को डेफिनेटली कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर इतने लॉयल इतने ऑनेस्ट इतने यू नो डेडिकेटेड और कमिटेड आपके लिए नहीं हैं एंड कुछ के लिए कोई और भी फीमेल हो सकती हैं जिनकी इंटरफेरेंस है इन्वॉलमेंट है, जिनकी, जिनकी वजह से इश्यूज़ मसले रह रहे हैं ये आपके भी कोई फैमिली मेम्बर लव वन क्लोज वन हो सकता है या प्रोफेशनल फ्रेंड से कोई हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की भी लाइफ में से कोई भी फीमेल हो सकती हैं और कहीं देखिए जजमेंट का कार्ड कहता है आप एक एंडिंग बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है इसी से ही रिलेटेड डिसीजन च्वाइस लेना चाह रहे हैं ले रहे हैं एंड ओवरऑल थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल आप चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर होते हुए दिख रहे हैं देखिए जजमेंट का कार्ड सिंपली थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सा जजमेंटल होने की बात करता है और सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा कि, कि किस चीज़ को लेकर क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स या कितनी बारी हम खुद को लेकर बड़े क्रिटिकल जजमेंटल हो जाते हैं तो कुछ लियोज़ के लिए अगेन ऐसा हो सकता है कुछ के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है तो कोई भी चीज़ हो सकती है एंड एंड दिसंबर के लिए मून एंड फोर ऑफ सोट्स के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं बहुत इमोशनल आप अपने पार्टनर को लेकर हो रहे हैं एक बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन उनके लिए महसूस कर रहे हैं एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में उनके लिए रह रही हैं लेकिन सरफेस लेवल के लिए फोर ऑफ सोस का कार्ड कहता है कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं जितना या तो लेना चाह रहे हैं जितना या तो आप प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं या फिर जितना आपको लेना चाहिए एंड यहाँ पर भी देखिए रीजन्स सब लियोस के लिए डिफ़र करेंगे लेकिन स्नेक का कार्ड डेफिनेटली कहता है कोई फीमेल हो सकती हैं या फिर किसी भी लेवल की यू नो कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं या आप बहुत ज़्यादा फेयर इस रिलेशनशिप में नहीं महसूस कर रहे हैं अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर के लिए हार्ट एंड जस्टिस के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन वो भी बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी इश्यूज़ मसले हुए हैं तो वो रिकन्सिलियेशन चाह रहे हैं वो आपको फोगिव कर करना चाह रहे हैं अगर आपकी गलती है और अगर उनकी गलती है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और अगर आपकी गलती है लियोस तो वो चाह रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे तो कहीं रिकनसिलिएशन फॉरगिवनेस चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है लियोज आपके पार्टनर को भी कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है लेकिन कहीं स्टार्टिंग दिसंबर में बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बेयर के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत आपके लिए प्रोटेक्ट एक्टिव हैं बहुत आपके लिए एक केयर उनके मन में है लेकिन सरफेस लेवल के लिए उन्होंने कहीं पॉज लिया हुआ है जब तक कि उनको एक हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं होती जब तक कि उनको एक यू नो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नहीं आता सेफ सिक्योर नहीं महसूस करते तब तक वो किसी भी तरीके का एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं कहीं फिर से मैं कहूँगी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या तो चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर उस पर उनका ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है।, है किसी भी तरीके का रिस्क कहीं मिड दिसंबर में आपके पार्टनर यूज़ नहीं लेना चाह रहे हैं एंड uh, देखिए बर्ड्स का कार्ड कहता है शायद मन ही मन उनको फियर है कि लोग कहीं आपके बारे में या इस रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं कहीं कोई गलत तो नहीं बोल रहा है कहीं लोग आप लोगों के बीच में आप लोगों को लेकर बातें तो नहीं कर रहे हैं कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ किसी चीज को लेकर एक कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं डिस्कशन करना चाह रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि शायद उस डायरेक्शन में उतने एक्शन इनिशिएटिव्स या तो नहीं ले रहे हैं या फिर अगर ले रहे हैं तो टू मच ले रहे हैं कहीं उनकी एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है या तो एंथुजियाजम एक्साइटमेंट उनका लो है एंड दिसंबर में या फिर ओवर एक्साइटेड ओवर एंथुजियास्टिक रह रहे हैं और कहीं जो भी हो मन ही मन आपके साथ एक डीपर लेवल की कॉन्वर्सेशंस डीपर लेवल की बातचीत करना चाह रहे हैं और उनको कहीं एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस भी एंड दिसंबर में होती हुई दिख रही है और अब देखते हैं लियोज की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए फिर से स्टार्टिंग दिसंबर की बात करें तो फिश का कार्ड कहता है आप दोनों के ही मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है लेकिन सरफेस लेवल के लिए या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत एक बर्डन बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं या फिर पीछे किसी चीज़ को लेकर बर्डन प्रेशर था उसको ऑफ करना चाह रहे हैं एंड टॉवर एम्प्र रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में मिड दिसंबर में रह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं देखिए जनरल रीडिंग है तो आप दोनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन फिर से कहूँगी पार्टनर की तरफ से ज़्यादा एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं एक अकेलापन चाह रहे हैं शायद चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर डिसिप्लिन के साथ सिस्टमेटिक तरीके के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए देखिए किसी भी लेवल पे गैप आप दोनों के बीच में आ रहा है फिर से देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है मोहब्बत है और एक दूसरे को लेकर मन ही मन बहुत श्योर हैं बहुत डेफिनेट हैं जैसे होता है ना कि बिल्कुल हल्का सा भी आप दोनों को डाउट नहीं है कि भाई आपके मन में आपके पार्टनर के लिए प्यार है या नहीं है आपके पार्टनर के लिए भी वॉइस वर्षा उनके मन में भी डाउट नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है आप दोनों श्योर शॉट एक दूसरे के लिए लव महसूस करते हैं और फिर से मैं कहूंगी बहुत श्योर भी हैं इस चीज़ को लेकर लेकिन सरफेस लेवल के लिए टू ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का एक गैप आप दोनों के बीच में रह सकता है अब देखिए मैंने हमेशा कहा है लियोस की टैरो गाइडेंस के लिए होता है और अगर आप इस इंटेंशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे कि क्या इस रीडिंग में गाइडेंस है और कैसे आप अपने रिलेशनशिप को दिसंबर मंथ के लिए बेहतर कर सकते हैं आपको बहुत सारे क्लूज बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे जिनको आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे लेकिन अगर आप प्रिडिक्शन के इंटेंशन से इस रीडिंग को देखेंगे तो फिर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं हालांकि कुछ भी गलत और ख़राब नहीं हो रहा है बट येस यू नो बहुत ग्रेट दिसंबर मंथ नहीं जाता हुआ दिख रहा है तो ये था लियोज आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लाफ्ट आरो रीडिंग और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग कितनी आपके साथ कनेक्ट करी कितना आप रेजोनेट कर पाए